हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरी चैनल मेडल सपोर्ट में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मल का रंग कैसा होना चाहिए, और अगर मल का रंग हरा हो, लाल हो, काला या सफ़ेद या पीला हो तो उसका क्या मतलब होता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, मल को इंग्लिश में स्टूल या फिसिस के रूप में भी जाना जाता है, जो हमारी पाचन प्रणाली का एक सामान्य हिस्सा है। मल में अपशिष्ट पदार्थों का समावेश होता है जिन्हें शरीर से बाहर निकाला जाता है, और इसमें बिना पचे हुए खाद्य कण, बैक्टीरिया, लवण और अन्य पदार्थ शामिल हो सकते हैं। आकार और रंगों में भिन्नता के साथ आपका मल आपके स्वास्थ्य के बारे में बता सकता है, और यह विशेष रूप से क्रोहन रोग वाले लोगों के लिए सच है, जिनको अक्सर बीमारी की स्थिति में बदलाव का पता लगाने के लिए मल पर नजर रखनी पड़ती है। यदि आप कभी ध्यान देते हैं कि आपका मल सामान्य से अलग रंग का है, जैसे कि अगर यह हरा, लाल, पीला, सफेद या काला है, तो इसका क्या अर्थ है। हाल के वर्षों में शोधकर्ता भी जांच कर रहे हैं कि आपका मल आपके पेट में रहने वाले बैक्टीरिया के बारे में क्या बता सकता है, और यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं को कैसे प्रभावित कर सकता है। और क्या आप अपने मल के रंग के बारे में चिंतित हैं, तो इस वीडियो में बताया गया है कि मल के असामान्य रंग के कारण, अलग अलग मल के रंग का मतलब और असामान्य कब एक चिकित्सकीय पेशेवर से आपको बात करनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि मल का रंग कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, सामान्य मल का रंग आमतौर पर भूरा होता है। आपके मल का रंग आप क्या खाते हैं और आपके मल में कितना पित्त है इसके ऊपर निर्भर करता है। हालांकि मल का रंग या बनावट में परिवर्तन सामान्य हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश परिवर्तनों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मल का सामान्य भूरा रंग पित्त के कारण होता है, जो हमारे लीवर द्वारा उत्पादित एक पदार्थ है जो हमें वसा को पचाने में मदद करता है। यद्यपि पित्त जो है वो स्वाभाविक रूप से हरा होता है, लेकिन इसके वर्णक जो है वो पीले और भूरे रंग में बदल जाते हैं, क्योंकि वे आपके पाचन तंत्र से यात्रा करते हुए शरीर से बाहर आते हैं और एंजाइमों द्वारा तोड़ दिए जाते हैं। यदि आपका मल भूरा और ठोस है तो आपके लिए चिंता करने का कोई कारण नहीं है। और दोस्तों, अगर हम बात करें कि मल के रंग बदलने की, तो मल का रंग अलग अलग हो सकता है। ब्राउन और यहाँ तक कि हरे रंग के सभी शेड को भी सामान्य माना जाता है। अधिकांश समय आपके मल के रंग में मामूली परिवर्तन आहार के कारण होते हैं। आखिरकार हम हर दिन भोजन में एक ही चीज तो नहीं खाते हैं, लेकिन कभी कभी मल के रंग में परिवर्तन एक मामूली स्वास्थ्य समस्या का संकेत दे सकता है। आपके मल का रंग केवल कभी कभी ही आंतों की संभावित गंभीर स्थिति का संकेत होता है, और ऐसे दुर्लभ मामलों का मतलब है कि आपके पाचन तंत्र में कुछ गंभीर गड़बड़ हुई है। जैसा कि हमने बताया कि स्टूल या मल का रंग आमतौर पर आप जो भी खाते हैं उसके साथ साथ पित्त की मात्रा से प्रभावित होता है, क्योंकि पित्त वर्णक आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से होते हुए बाहर आते हैं, और इसीलिए वे एंजाइमों द्वारा रासायनिक रूप से परिवर्तित होते हैं और वो रंगीन हरे से भूरे रंग में बदल जाते हैं। अधिकांश लोगों को किसी न किसी स्तर पर मल के रंग में बदलाव का अनुभव होता है। आमतौर पर यह आहार या कुछ अन्य मामूली कारणों से हो सकता है। हालांकि यदि कोई भी व्यक्ति दो या अधिक हफ्तों तक यह बदलाव देखता है या लाल या काला मल आता रहता है, तो उसे डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। और यदि आपका मल उज्ज्वल लाल या काला है, तो यह आपके मल में ब्लड आने की परेशानी का संकेत हो सकता है, और इसीलिए तत्काल इलाज करवाने के लिए डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर मल हरा हो तो इसका क्या मतलब होता है। तो जैसा कि हमने बताया कि हरे रंग का मल वास्तव में काफ़ी सामान्य है, लेकिन जब यह भूरे रंग से पूर्ण हरे रंग में बदल जाता है तो कुछ चीज़ें इसका कारण बन सकती है, जैसे कि हरी सब्जियां, जैसे कि पालक या गोभी, ग्रीन फूड कलरिंग जैसे कि पेय या फिर बर्फ के गोले और आयरन सप्लीमेंट। और यदि आपको हरी दस्त हो रही है तो यह रंग आपके भोजन के कारण नहीं हो सकता। इसका संभावित कारण यह है कि आपका भोजन बड़ी आंत से बहुत जल्दी गुजर जाता है, और अगर मल बहुत जल्दी आंत से गुजरता है तो मल को सामान्य भूरा रंग प्रदान करने के लिए पित्त को पचाने और उसको टूटने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। और आमतौर पर आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया रासायनिक रूप से पित्त को हरे रंग से भूरे रंग में बदलते हैं, और आंत में पित्त के रंग को पूरी तरह से बदलने में समय लगता है, और फिर यह ब्राउन या भूरे रंग का बन जाता है। और यदि पारगमन का समय छोटा होता है तो ये जल्दी पास होता है। उदाहरण के लिए, जब किसी व्यक्ति को दस्त होती है तो मल का हरा रंग बना रहता है। दूसरा, दोस्तों बात करते हैं कि अगर मल लाल कलर का हो तो इसका क्या मतलब होता है। तो एकदम लाल या ब्राइट रेड रंग का मल जो है वो चुकंदर, करौंदा, टमाटर के रस या सूप,
लाल रंग वाले भोजन जैसे कि लाल अंगूर या अन्य पेय पदार्थ, जिलेटिन, बर्फ के गोले, लाल कैंडी और लाल फ्रोस्टिंग के कारण हो सकता है। एमोक्सिसिलिन जैसी जो लाल दवाएं होती है उससे भी मल के लाल होने का कारण हो सकता है। और यदि आपको नहीं लगता कि आपका आहार इसका कारण है तो आपके मल के लाल रंग का कारण ब्लड हो सकता है, यानी कि खून हो सकता है। यदि मल का रंग चमकीला लाल है तो ब्लड आपके पाचन तंत्र के निचले हिस्से से आ रहा है। और इसके कुछ कारणों की बात करें तो वयस्कों में लाल मल का सबसे आम कारण बवासीर के कारण खून बहना, कैंसर रहित ट्यूमर यानी कि गांठ, आंतों में सूजन जिसे हम कोलाइटिस भी कहते हैं, पोलन की परत में छोटी थैलियों के कारण होने वाली परेशानी जिसे हम डायवर्टिकुलर बीमारी कहते हैं, उससे भी जो मल है वो लाल कलर का हो सकता है। शिशुओं में सबसे लाल मल का आम कारण जो है वो गुदा के आसपास के उत्तकों में कटना या फटना हो सकता है। और यदि आपको लाल मल आ रहा है जो आपके द्वारा खाए गए भोजन के कारण नहीं है तो अपने डॉक्टर से जाँच जरूर करा लें। दोस्तों अगर हम बात करें कि मल का रंग जो काला है तो उसका क्या मतलब होता है, तो दोस्तों पैदा होने के बाद पहले कुछ दिनों तक शिशुओं का मल काले रंग का रहता है। उसके बाद ऐसा इसीलिए हो सकता है कि कुछ बहुत ही गहरे रंग का भोजन खाया हो या कोई ऐसी दवा या सप्लीमेंट लिया हो जो काले मल का कारण बनता है। ब्लैक स्टूल या काला मल एक चिंताजनक लक्षण होता है क्योंकि यह गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बड़ी मात्रा में ब्लीडिंग यानी कि रक्तस्राव के कारण हो सकता है। अक्सर ऊपरी गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आहार नली, पेट और पाचनांत्र सहित में ऐसा होता है। कुछ भोजन, दवाएं और सप्लीमेंट जो कि मल के काले रंग का कारण हो सकती है वो है बिस्मत सबसेलिसिलेट जिसमें काओपेक्टेट और पेप्टोबिज्मोल, उसके बाद ब्लैक लाइकोरिस और आयरन सप्लीमेंट जो कि एक पूरक दवा होती है और ब्लूबेरी वगैरह। मल जो कि टार की तरह दिखता हो वो अक्सर पाचन तंत्र में खून बहने का संकेत हो सकता है। और उसके कुछ कारणों की बात करें तो एसिड रिफ्लक्स से आपकी आहार नली में ब्लीडिंग से होने वाला घाव, कैंसर रहित ट्यूमर, अल्सर और कैंसर वगैरह से भी जो मल है वो टार की तरह दिखता है। और यदि आपको लगता है कि ब्लैक स्टूल आपने जो खाया है उसके कारण नहीं है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की ज़रूरत है। और दोस्तों अगर हम बात करें कि मल का रंग सफ़ेद हो तो उसका क्या मतलब होता है, तो दोस्तों बिस्मत सबसेलिसिलेट जैसी दस्त के लिए दी जाने वाली दवाएं कभी कभी पीला या फिर मिट्टी जैसे दूसर रंग के मल का कारण हो सकता है। बेरियम जो आपके पाचन तंत्र के ऊपरी हिस्से का एक्सरे कराने से पहले आपको एक चॉकलेटी तरल पदार्थ पिलाया जाता है, वह भी मल के सफ़ेद रंग का कारण हो सकता है। सफ़ेद या मिट्टी के रंग का मल पित्त की कमी के कारण भी हो सकता है जो पित्त नलिकाओं में किसी अवरोध से हो सकता है। पित्ताशय की जो पथरी है वो इस तरह के अवरोध का एक संभावित कारण हो सकता है और यह अग्नाशय या फिर पैंक्रियाटिक कैंसर के कारण भी हो सकता है जो पित्त नलिकाओं को अवरुद्ध करता है। लीवर की बीमारी जैसे कि हेपेटाइटिस पित्त को आपके शरीर के अपशिष्ट में आने से रोक सकती है, तो उसके कारण भी जो मल है वो काला हो सकता है। दोस्तों अगर हम बात करें कि मल का रंग पीला होने का क्या मतलब होता है, तो दोस्तों पीले रंग का मल होने का मतलब यह हो सकता है कि आप मीठे खाद्य जैसे कि आलू, गाजर या हल्दी, पीले रंग की अधिक मात्रा वाला भोजन खा रहे हैं। अगर शुरुआत हाल ही में हुई है तो पीला मल आंतों के इन्फेक्शन का संकेत भी हो सकता है, खासतौर से अगर दस्त, बुखार, फ्लू जैसे लक्षण और पेट की ऐंठन हो। जियार्डियासिस जो कि एक परजीवी जियार्डिया लैमलिया के कारण होने वाला छोटी आंत का इन्फेक्शन है, तो यह भी पीले मल या दस्त का कारण बन सकता है। इसके अलावा गेस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स बीमारी यानी कि GERD वाले लोगों और GERD के लिए दवा लेने वाले लोगों को कभी कभी पीले रंग का मल हो सकता है और यह शेड भी कई लोगों के लिए सामान्य हो सकता है। यह बच्चों के लिए आम होता है, खासतौर पर जो बच्चे स्तनपान करते हैं। लेकिन अगर आपको पीला मल हो रहा है जो चिकना दिखता है और बहुत गंध आती है तो इसमें बहुत अधिक वसा हो सकती है यानी कि फैट हो सकती है और यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका शरीर आपके भोजन को सही तरीके से पचा नहीं पा रहा है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।